between E and del. Del means forward operator, E means shift operator. और अगर मैं इन दोनों के बीच में relation find करना है तो हम कैसे find करेंगे? तो हम forward operator की जो हमारी definition है उसको use करेंगे. क्या है? Del fx is equals to fx plus h minus fx. अब यहां पर हम shift operator का definition use कर सकते हैं. ये क्या हो जाता है? EFX में अगर हम FX में shift operator यूज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? F X plus H. तो इसकी जगह पर हम ये यूज कर सकते हैं minus FX. फंक्शन कॉमन ले लेंगे तो E minus 1 FX और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? Del FX. दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Del is equals to E minus 1. And this is the relation between shift operator and forward operator. तो इस तरह से हम different different operators के बीच में relation find कर सकते हैं. Next topic is कि how we construct difference tables. तो first is forward difference table. Forward difference table. तो simple, हमें क्या given होगा? सबसे पहले x की values given होगी. Suppose यहां पर हमें x की values given है, like a. Equal interval की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? a प्लस h. नेक्स्ट इज a प्लस 2h. एक वैल्यू और ले लेते हैं, a प्लस 3h. ये हमने x की वैल्यूज ले ली. इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यूज गिवन होगी तो यहां क्या मिल जाएगा? f a. ये मिल जाएगा f a प्लस h. ये मिल जाएगा f a प्लस 2h. यहां आ जाएगा a प्लस 3h. तो ये x की वैल्यूज गिवन थी, इसके रिस्पेक्ट में हमें y की वैल्यूज गिवन थी. अब हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अगर फॉर्म करनी है तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? fx. तो कैसे निकालते थे? डेफिनेशंस आप लोगों ने नोट की होगी. तो क्या करते थे? f x plus h minus fx. ये तो जनरल फॉर्मूला था. इस केस में क्या होगा? अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो ये क्या आ जाएगा? del f a is equals to f a plus h minus f a. तो ये मिल गया हमें, ये फॉरवर्ड डिफरेंस. अगर हमें इसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है इन दो वैल्यूज के लिए तो क्या आ जाएगा? डेल एफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच. अगर इसके लिए हमें फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा? एफ ए प्लस टू एच इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ a प्लस 2h. इस तरह से हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड कर लिया, है ना. अब नेक्स्ट अगर हमें मिलेगा तो अगर हमें निकालना है डेल स्क्वायर fx. अब नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंस लेंगे. इसका डिफरेंस अब क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर fa. कैसे निकालेंगे? दिस माइनस दिस. नेक्स्ट क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच. ये आ जाएगा. और अगर हमें क्यूब फाइंड करना हुआ तो क्या आ जाएगा यहां पर? डेल क्यूब एफ ए. इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे वो यहां. तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना. तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अगर हमें फाइंड करनी है
तो आपके पास क्या होगा, आपके पास x की कुछ वैल्यूज गिवन होंगी लाइक 1, 2, 3, और उसके रिस्पेक्ट में आपको फंक्शन की कुछ वैल्यूज गिवन होंगी। लाइक हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, y=x², तो ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब अगर हमें डेल एफ एक्स फाइंड करना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर्म करनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा दैट इज 3 और 9 - 4 = 5, ये आ गया। इसको क्या बोलेंगे, ये 3 के लिए ये 3 वैल्यू आ गई 4 - 1, और ये आ गया 9 - 4 = 5। अगर हमें नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा, 5 - 3 = 2 एंड स्टॉप। और फॉरवर्ड डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम ये वैल्यूज यूज करते हैं, ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को हम यूज करते हैं जब भी हम इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब आगे डिस्कस करेंगे तो आप लोग देखोगे कि किस तरह से हम फॉरवर्ड टेबल यूज करते हैं। तो यहां पर हमें कौन सी वैल्यूज यूज करनी होगी, ये वैल्यूज यूज करनी होगी, इसलिए इसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अगर हम डिस्कस करें तो ये वैल्यू क्या है, ए, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a+h, ये आ जाएगा a+2h बिकॉज h इज इक्वल्स टू 1, तो a और h की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 = 2, 2 में फिर h इज 1, तो 2 + 1 = 3। इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यूज आ गई, और अब हमें जब हमने फाइनाइट डिफरेंस फाइंड किया, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट की, तो हमें क्या मिला, 4 - 1 = 3, 9 - 4 = 5, नेक्स्ट 5 - 3 = 2, तो इस तरह से हमने ये टेबल फाइंड कर ली। नेक्स्ट इज बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल अब ये कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सिंपल, एक्स की वैल्यूज आपको गिवेन है, इसके रिस्पेक्ट में आपको एफ एक्स गिवेन है क्वेश्चन में, ये वैल्यूज हैं a + h, a+2h, a+3h, ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी f a + h, f a + 2h, f a + 3h। अब क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है तो हम उसे रिवर्स डेल से डिनोट करते हैं, तो रिवर्स डेल एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, यहां से। अब फॉरवर्ड तो हमने फ्रॉम द टॉप स्टार्ट किया था, बैकवर्ड का मतलब फ्रॉम द बॉटम स्टार्ट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा डेल। अब ये किसके लिए निकल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में। अगर आप डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन में क्या था, fx - fx - h, इसका मतलब लास्ट वैल्यू, तो ये आ जाएगा fa+3h = fa+3h - fa+2h। नेक्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा fa+2h = fa+2h - fa+h,
और यहां से क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। नेक्स्ट अगर निकालना है सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 3h, और यहां से आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 2h। नेक्स्ट अगर हम थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा और उसको डिनोट किससे करेंगे, डेल क्यूब एफ ए प्लस 3h। और बैकवर्ड डिफरेंस में हम ये वैल्यूज यूज करते हैं, ये वाली, तभी इसका नाम बैकवर्ड डिफरेंस है। तो ये वैल्यूज हम यूज करते हैं फॉर बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करो कि फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या था, कि हमने फ्रॉम द टॉप वैल्यूज को लिया था, यहां पर अगर आप देखो फंक्शन एफ ए था, उसके रिस्पेक्ट में हमें डेल एफ ए मिला, फिर डेल स्क्वायर एफ ए मिला, फिर डेल क्यूब एफ ए मिला लास्ट में, और बैकवर्ड डिफरेंस में जो लास्ट वैल्यू थी उसके रिस्पेक्ट में हमने वैल्यूज ली, तो एफ ए प्लस 3h मिला, फिर डेल एफ ए प्लस 3h मिला। कैसे मिला, इन दोनों का डिफरेंस लिया, फिर नेक्स्ट डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 3h मिला, और यहां डेल क्यूब एफ ए प्लस 3h मिला, ठीक है ना। तो ये टेबल्स बहुत आसान है, जब आप क्वेश्चन में यूज करोगे तो बहुत सिंपल होंगे, क्योंकि अभी जनरल डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको कि किस तरह से हम इन टेबल्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करो या फिर आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करो, जो वैल्यूज हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था, इसके लिए हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी, अब इसी क्वेश्चन के लिए हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स, एक्स हमारा क्या था, 1, 2, 3, एफ एक्स क्या था हमारा, 1, 4, 9, क्योंकि हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल एफ एक्स। अब यहां पर क्या मिलेगा हमें, 9 minus 4 is 5 एंड 4 minus 1 is 3, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 minus 3 is 2। बट जब हम बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यूज यूज करनी है, और अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे थे तो हमें ये वैल्यूज यूज करनी थी। ये बेसिक डिफरेंस है। तो जब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें आप सिंपल डिफरेंस निकाल लो, लेकिन ये याद रखना है कि जब हम बैकवर्ड डिफरेंस यूज कर रहे हैं तो हमें फ्रॉम द बॉटम वैल्यूज यूज करनी है, और अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हमें टॉप ऑफ द जो टेबल है उसकी वैल्यूज को यूज करना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट